हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मृणाल्स किचन में। तो आज ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मसाला लेरी काजू की रेसिपी। बहुत ही फ्लेक बनकर तैयार होती है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। नो मैदा वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज ये मसाला काजू बना रही हूँ वो सूजी से बना रही हूँ। तो सूजी बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, आप चाहे ना तो इसकी जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन सूजी से ये काजू बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर 2 कप सूजी लिया है, जिसे कि ना मिक्सर के जार में ऐड कर रही हूँ। और साथ ही ना यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर कर चीनी, जिससे कि ना थोड़ी सी मीठी बनती है। अगर आपको नहीं पसंद ना तो स्किप कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही ना यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। सारी चीज़ों को ना एक बार मिक्सर कर लेंगे। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, जस्ट आप 1-2 बार यहाँ पर ना मिक्सर लेना है, ताकि चीनी सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ना हमने सूजी का 1 फाइन पाउडर बना लिया है। अब क्या करेंगे ना, इसको एक निकालेंगे बर्तन में या परात में। तो ये जो नमकीन है ना, सिर्फ मैं सूजी से बना रही हूँ। आप चाहे ना तो इसमें थोड़ा सा बेसन वगैरह ऐड कर सकते हैं, या फिर गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अभी ना इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना घी। आप घी की जगह तेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून जितना ही घी ऐड करें या तेल ऐड करें, ज़्यादा नहीं करना है, कि जो हमारे नमकीन है ना बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और आप इसे बना करके रखेंगे ना, ये एक ही भारी में छट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एकदम मसालेदार चटपटी सी बनकर तैयार होती है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर आटा है ना, आटे को मीडियम सॉफ्ट लगाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको बेलने में परेशानी आएगी। अब इसे ना ढक करके रख देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि जो हमारा आटा है ना थोड़ा सा फूल जाए। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच के करीब घी, साथ ही ना यहाँ पर 2 चम्मच गेहूं का आटा मिक्स किया है। अब दोनों को क्या करेंगे ना, अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो इसे साइड में रख देंगे। और आटे को रेस्ट किए हुए 15 मिनट हो चुके थे, अब क्या करेंगे ना, इसकी छोटी छोटी पीड़ियां बनकर तैयार करेंगे। जैसे कि नॉर्मली गेहूं के आटे हम रोटियां बनाते हैं ना, उसी तरह की यहाँ पर लोइयां बनाकर तैयार करनी है। यहाँ पर ना हमने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली है। अब क्या करेंगे ना कि एक एक लोई लेनी है और इसे ना बेल लेना है। जितना पतला मोटा आपको यहाँ पर नमकीन रखने है ना, उस हिसाब से यहाँ पर ना लेयर्स बनाकर तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर ना मैंने पतली पतली लेयर्स बनाई हुई है, जैसे कि नॉर्मली हम रोटी खाती है ना फुलके के, उतनी ही लेयर्स मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार किए है। तो यहाँ पर ना हमने सारी रोटियाँ बेल कर तैयार कर लिए है, आप देख सकते है। अब क्या करेंगे ना, इसमें की एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर हमने आटे और घी वाली जो स्लरी बना के रखी थी ना, मतलब पेस्ट, वो अच्छे से ना स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा भी लगाना नहीं है, हल्का हल्का लगाना है ऊपर से। ऊपर से ना वापस से थोड़ा सूखा आटा छिड़क दीजिएगा और दूसरी रोटी रखेंगे इसके ऊपर। और हम क्या करेंगे, जो पेस्ट बनाई थी ना वापस से इसके ऊपर लगाएंगे, वही प्रोसेस फिर से करनी है। अब ना वापस से यहाँ पर ना सूखा आटा छिड़क देंगे ऊपर से, और तीसरी रोटी है ना यहाँ पर ऊपर रख देंगे। इतनी काफ़ी है 3 लेयर वाली। ये मटरी बनती है ना बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और आपने देखा कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी हुई है। थोड़ा सा ना सूखा आटा लगाएंगे ऊपर से और इसे है ना एक पतला रोटी की तरह ना बेल लेंगे। आप चाहे ना तो इसे मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा पतला करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएगी। तो उसके बाद ना यहाँ पर मैंने एक केक नोजल लिया है। आपके पास नहीं हो तो आप नॉर्मली जो दवा का ढक्कन वगैरह होता है वो ले सकते हैं। तो इसी तरह ना हम यहाँ पर काजू शेप के नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे। तो आप चाहे ना तो इसे नॉर्मल जैसे नमक पारे बनते हैं ना डायमंड शेप के, वैसे भी कट कर सकते हैं, या स्क्वायर में कट कर सकते हैं, या फिर लंबे लंबे स्ट्रिप्स जैसे भी कट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा ज़्यादा समय टाइम लगता है। तो आप ना अपने मन पसंद के शेप के यहाँ तैयार कीजिएगा, और ये ना बहुत ही तुरंत तुरंत हो जाते हैं। अगर आप करेंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर ना मैंने सारे नमक पारे कट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पर मैंने तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल को ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। जब तेल यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, मतलब अच्छा गर्म हो जाए ना, तो यहाँ पर ना नमक पारे ऐड कर देंगे, और फ्लेम को ना मीडियम टू लो ही रखेंगे। और नमक पारों को ना अच्छे से कलर आ जाए ना, तब तक के लिए ना इसे फ्राई करेंगे।
तो यहाँ पर ना पहले भी मैंने आलू मून बाइट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, वो कैसी करनी है उसकी लिंक है ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ ना मैंने फ्राई करने के लिए डाला ना तो इतना झाग आया कि मैं बहुत ही डर गई कि ये क्या हो रहा है। मैंने यार डर के ना गैस वगैरह भी बंद कर दिया था कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना झाग क्यों आया इसके ऊपर। उसके बाद ना थोड़े से बबल्स सेटल हो गए और आप देख सकते हैं इसके लेयर्स कितने परफेक्ट है और कितने अच्छे खुले हैं, जैसे कि खाजा वगैरह होता है ना उसी तरह लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर ना हमारे काजू पारे हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा ना हम लाल नहीं करेंगे, ये गर्माई से ना और ज़्यादा कलर पकड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक प्लेट पे निकालेंगे और दूसरे बैच को ना फिर से यहाँ फ्राई कर लेंगे। और बेलने के बाद जो आटा बचा था ना उसके भी मैंने ऐसे ही नमक पारे तैयार कर लिए है। यहाँ पर ना मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है, इसको भी है ना उसी प्लेट में निकालेंगे। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। और ये देखिए सारे नमक पारे तैयार करके एक प्लेट में हमने निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पर मैंने ना एक बाउल में ये सारे नमक पारे ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर ना मैं मसाला काजू बनाकर रेडी कर रही हूँ, तो यहाँ पर ना मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है और साथ ही ना यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से ना इसको टॉस कर लेंगे ताकि ये जो हमने मसाला डाला है वो सारे नमक पारों को अच्छे से लगे। और ये देखिए यहाँ पर ना मैं आपको तोड़कर बताती हूँ, एकदम क्रिस्पी बने हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ना बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होते, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप इसे ना बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं या शाम के चाय के साथ भी खा सकते हैं। इतने क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनते हैं कि मन करता है कि खाते ही रहूं। तो आप ना इसे एयरटाइट बॉक्स में भरकर है ना आराम से एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नमक पारे ना मैंने सूजी से बनाए हैं, आप आटे से भी बना सकते हैं या फिर मैदे से भी बना सकते हैं, उससे भी काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। आप चाहो ना तो बच्चों को देने के लिए ना यहाँ प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ना मैंने थोड़ा सा मसाला और चाट मसाला डाल के है ना थोड़ा सा चटपटा बनाया है। तो आज की ये काजू मसाला रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।